अगर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है और यही है। कश्मीर का कल्चर हमेशा से ही बहुत पुराना और खूबसूरत रहा है। गर फिरदौस पर रूह ज़मीन अस्त, हमी अस्त हो, हमी अस्त हो। इसी सूफियाना माहौल से ही हम इंस्पायर होके अपने जो दो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको आगे तक ले जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल शाह है, मैं पिछले 12 साल से सारंगी प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम अदनान मंजूर है, मैं एक रबाब प्लेयर हूँ। रबाब एक अफगानी इंस्ट्रूमेंट है। हम हुनरबाज में इसलिए आना चाहते हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो इन वादियों में गूंज ही रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब ये छोटे बड़े देश विदेश हर किसी शहर में ये धुन गूंजे। क्या बात है इकबाल साहब, क्या बात है अदनान, थैंक यू। वाकई वादियों में ले गए आप। थैंक यू सर। तू ना जा मेरे बादशाह, पहले क्या गाना है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का धुन, आनंद बख्शी के अल्फाज जो सुना था जब फ्रेश उन्होंने रिकॉर्ड किया था, और मेरे पिता वहां थे और मैंने ये गाना सुना था, अमित जी भी वहां थे और मैं इस गाने पे फिदा हो गया। तो आज पुरानी यादें वापस आ गई जब आपने तू ना जा मेरे बादशाह पे इतनी खूबसूरती से रबाब का और आपकी ये कश्मीरी सारंगी का इस्तेमाल किया। म्यूजिशियन जब कमाल के होते हैं ना तो उनकी एक ऑरा होती है, एक खूबसूरत सी एनर्जी होती है, तो ऐसा लगता है आप उस सुकून उन वादियों से इस मंच पे ले आए हैं। थैंक यू सर। इस सुकून के लिए, इस अंदर के जुनून के लिए मैं अदनान एंड इकबाल, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। दोनों इतने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतना अलग साउंड है, एक इतना डीप और भारी है, एक इतना सॉफ्ट और सुरीला है, लेकिन वो बिल्कुल एक हार्मनी में बैठ रहे थे। थैंक यू। इट वॉज फैंटास्टिक, आई लव्ड इट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव्ड इट। थैंक यू, थैंक यू सर।